नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भारत में कोरोना के 62,000 से अधिक नए केस, पिछले 24 घंटे में 2542 लोगों की मौत। गुजरात के आणंद में भीषण हादसा, ट्रक और इको कार की हुई टक्कर, हादसे में 10 लोगों की हुई मौत। लखनऊ में बीते 24 घंटे में 310 नए मामले आए सामने, प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या 6400। आज से खुलेंगी ऐतिहासिक इमारतें, कोविड नियमों का करना होगा पालन। उन्नाव में ग्रामीणों ने पुलिस पर किया जमकर पथराव, कई पुलिसकर्मियों को आई गंभीर चोटें। वहीं गाजियाबाद के लोनी इलाके में मुस्लिम युवक की पिटाई मामले में नया मोड़ आ गया है। पुलिस ने मामले में 9 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। आपको बता दें कि जिन लोगों पर एफआईआर दर्ज की है उनमें ट्विटर के अलावा जर्नलिस्ट और अन्य लोग भी शामिल हैं। इन सभी पर धार्मिक भावनाओं को भड़काने के आरोप लग रहे हैं। बता दें कि लोनी इलाके में बीते दिनों एक मुस्लिम बुजुर्ग की पिटाई और इसकी दाढ़ी काटने का एक वीडियो वायरल किया गया था। वीडियो को लेकर कहा गया था कि बुजुर्ग की पिटाई इसलिए की गई थी क्योंकि वो विशेष समुदाय का था, लेकिन पुलिस ने इसे दो परिवारों के बीच की लड़ाई का मामला बताया था। वहीं इस पूरे मामले पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि राज्य के प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी है, इससे बचा नहीं जा सकता। बता दें गाजियाबाद में बुजुर्ग की पिटाई का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद 9 लोग ट्विटर समेत 9 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं अनुराग भदौरिया का भी इस पूरे मामले पर बयान सामने आया है। कल भाग गया, बैठे को जा रहा था, चक्कर से बैठा नहर के लिए, और नहर से एक लोग वाले ने मुझे कहा, मैं चचा मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, चलो बेटे को कहाँ जा रहा है तुम्हें, तो मैंने कहा कि मुझे बेटे में जाना, तो वो नहर नहर ले गए, और नहर नहर लेकर दो आदमी से बैठ गए, दो और आगे से बैठ गए। तो मुझे मैंने कहा तू आगे कहाँ ले जा रहा है, ये तो इधर को जाना, बोले बैठे रहो बैठे रहो, आगे पुलिस वाले भी लगे, वो परेशान करेंगे हमें, घुमा के पहुंचाऊंगा मैं तुम्हें। और वो मुझे एक जंगल में ले गए, वो जंगल में ले जाके मुझे कमरे में बंद कर दिया, और उन्होंने मेरे हाथ पकड़ के और मतलब ये कैंची लिया है एक जना, और कैंची ने मेरी सारी दाढ़ी काट दी थी। वो कहे अब दाढ़ी काटेंगे तो जान से मार देंगे। और ये और उन्होंने वीडियो दिखाया जो सोशल गए वो ठीक नहीं थे, वो अनवेरिफाइड है, उनको वो अभी तक सत्य नहीं पाए गए हैं। ऐसे में एक घटना जो हुई उसको एक दूसरा वर्जन, एक नया रूप दे करके जिस तरीके से प्रस्तुत किया गया, उससे आपसी वैमनस्यता, धार्मिक भाईचारा, समाज में शत्रुता का भाव उत्पन्न होने की प्रबल संभावना बनी। और किसी को भी अधिकार नहीं है कि जो कोई घटना यदि हो जाए तो उसको अपने हिसाब से, अपने इच्छा से तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत किया जाए। इस बात का गंभीरता से संज्ञान लिया गया, कल एक एफआईआर दर्ज की गई है। उस एफआईआर में 7 नामजद व्यक्ति और ट्विटर इंडिया को सम्मिलित करते हुए सुसंगत धाराओं में हमने अभियोग पंजीकृत किया है। हम अभी भी वॉचफुल हैं, और अगर इस क्रम को कोई आगे बढ़ाता है, इसमें अभी भी जानबूझकर कोई ऐसी विद्वेषपूर्ण बात को पब्लिश करता है जिससे समाज में पीस, कम्युनल हार्मनी डिस्टर्ब होती है, तो हम कठोर कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। और हम ऐसे और भी पब्लिशर्स को हम चिन्हित कर रहे हैं, ये कार्रवाई अभी। इस देश के अंदर सभी जानते हैं कि जाति धर्म की राजनीति कौन करता है,
कौन है जो जात धर्म की राजनीति को बढ़ावा देता है, किसी से नहीं छुपा है। मैं तो उत्तर प्रदेश की सरकार से कहूंगा कि सरकार की जिम्मेदारी होती है कि उत्तर प्रदेश के अंदर में कोई व्यक्ति चाहे किसी भी जात धर्म का हो उसकी सुरक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी होती है और उसका लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना भी सरकार की जिम्मेदारी होती है। सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती, ये तय है। मैं इस खबर पर इस वक्त हमारे साथ संवाददाता शिवा जुड़ चुके हैं। शिवा, क्यों लग रहा है कि ये जो तमाम बातें कही जा रही हैं और जो वीडियो वायरल हो रहा है वो कहीं ना कहीं जाति विशेष को नुकसान पहुंचाने के लिए सामने आया है? देखिए कीर्ति, अब ये घटना एक राजनीतिक क्रम हो गया है। मुख्यमंत्री के साथ साथ कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी ने भी ट्विटर के जरिए इस पर निशाना साधा है उत्तर प्रदेश सरकार की ओर, और ये कहा जाएगा कि धार्मिक भावनाओं को भड़काने का जो ये पूरा क्राइटेरिया पुलिस को जो समझ में आया था उसने ट्विटर के साथ साथ 9 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। इन 9 लोगों में कीर्ति आपको बता दें कि कांग्रेस और सपा के नेताओं के साथ साथ कुछ ऐसे पत्रकार भी हैं जो पुलिस का कहना है, उनका कहना है कि बिना किसी वीडियो की जांच किए हुए उन्होंने ट्विटर पर इस सोशल मीडिया पर इस वीडियो को वायरल किया था। और चूंकि ट्विटर की भी जिम्मेदारी थी क्योंकि पुलिस ने इसका पहले खंडन दे चुकी थी जब ये ट्रेंड हुआ था, ट्रोल हुआ था ट्विटर पर, और ट्विटर ने इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, तो गाजियाबाद पुलिस ने ट्विटर को भी इस पूरे मामले में आरोपी बनाया गया है। लेकिन जिस बुजुर्ग की पिटाई की गई थी उनमें से जो युवक थे प्रवेश गुज्जर जो मुख्य आरोपी बताया गया और आदिल खान और शरद कुंज, इन तीनों को गाजियाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। उस पिटाई के मामले में जो अन्य आरोपी फरार है उनकी तलाश के लिए जो क्राइम ब्रांच की टीम है, जो गाजियाबाद पुलिस की स्पेशल टीम है, वो उनकी तलाश कर रही है। लेकिन अब ये पूरा माहौल जो बुजुर्ग की पिटाई हुई है वो कहीं ना कहीं राजनीतिक घटनाक्रम है। उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम बड़े राजनेताओं ने इस पर रिएक्शन भी दिए हैं कि किस तरीके की ये गुंडागर्दी हो रही है गाजियाबाद में। तो अब पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी क्योंकि मामला सीधे सीधे गाजियाबाद से लखनऊ आ गया है और लखनऊ में इसकी चर्चा बहुत ज्यादा है। तो अब जिन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है पुलिस उस पर किस तरीके के एक्शन लेती है क्योंकि धाराएं गंभीर हैं और माहौल को खराब करने जैसी जो बातें हैं उसमें कही जा रही हैं। फिलहाल अब गाजियाबाद पुलिस अफसरों से सलाह मशवरा के बाद जो लोग पत्रकार हैं जो वरिष्ठ नेता है उनके खिलाफ किस तरीके की कार्रवाई करती है ये आगे मालूम होगा। बिल्कुल शिवा, लगातार ये बातें भी चल रही हैं क्योंकि विशेष समुदाय को लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। वहीं मैं बता दूं 25 मई को इम्यूनिटी खत्म हो गई थी ट्विटर की, उसके बाद ये पहला केस है ट्विटर के खिलाफ जब FIR दर्ज की गई है। तो क्या ट्विटर की तरफ से कोई आधिकारिक अभी तक बयान आया है सामने? देखिए जरूर इसी बात का कीर्ति इंतजार हो रहा है कि ट्विटर अपनी तरफ से कोई एक बयान जारी करेगा और ये कहा जा रहा है कि ट्वीट के जरिए वो अपना बयान दर्ज करेगा कि आखिरकार ट्विटर को इस FIR पे क्यों डाला गया। तो ट्विटर अपनी पुलिस की अपनी एक तकनीकी जो विंग होती है, जो साइबर सेल की जो विंग होती है, उससे सलाह मशवरा के बाद ट्विटर पर आरोप तमाम तरीके के लगाए गए हैं क्योंकि हाल ही में केंद्रीय सरकार द्वारा के ये आरोप कई ऐसे लॉस थे जो ट्विटर पर लगाए गए थे और रोक लगाई गई थी और उसी का पालन ना करते हुए ट्विटर को आरोपी बनाया गया है। तो अब इस पूरे माहौल को ये राजनीतिक घटनाक्रम चूंकि हो चुका है, लेकिन बुजुर्ग का कहना है कि उसकी पिटाई किसी विशेष धर्म के चलते नहीं हुई थी, कोई भी नारे नहीं लगवाए गए थे क्योंकि सोशल मीडिया पे जो लिखा गया था कि नारे ना लगवाए जाने पर उस बुजुर्ग की पिटाई की गई थी, लेकिन जब उस बुजुर्ग की पीड़ित बुजुर्ग की जब बाइट आई थी, जब हमने उनके बयान सुने थे, तो उन्होंने ये कहा था कि वो ताबीज बेचने का और झाड़ फूंक करने का काम करते हैं, लिहाजा जिसको भी उन्होंने ताबीज बेची थी उसका सकारात्मक बहुत ज्यादा प्रयोग नहीं हो पाया, इसलिए उन युवकों ने उसकी पिटाई की थी। तो पुलिस ने उस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, लेकिन ये जो नई FIR गाजियाबाद में दर्ज हुई है ये सियासी घटनाक्रम है और सरकार और पुलिस इसको किस तरीके से लेती है ये जरूर देखने वाली बात होगी। शिवा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ट्विटर और 9 लोगों समेत FIR दर्ज कर ली गई है, हालांकि लगातार इस पर सियासत तेज हो गई है क्योंकि विपक्ष हमलावर है और वो सत्ता पक्ष पर ये आरोप लगा रहा है कि विशेष समुदाय के लोगों को परेशान किया जा रहा है। जाति की जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं भाजपा करती है, उसको लेकर भी आरोप तमाम तरह के सामने आ रहे हैं और जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम है उस पर अब ट्विटर पर कार्रवाई की गई है क्योंकि 25 मई के बाद ट्विटर की इम्यूनिटी खत्म हो गई थी, जिसको लेकर मानहानि का दावा या फिर ऐसे किसी विशेष वर्ग को लेकर भड़काने का कार्य अगर किया जाता है या उससे किसी भी की भावनाओं को आहत होती है तो ट्विटर के ऊपर 25 मई के बाद से कार्रवाई हो सकती थी। तो ये पहला मामला है ट्विटर के ऊपर केस हुआ है जिसपे
गाजियाबाद से ये केस किया गया है। यूपी में आज से ऐतिहासिक इमारतें खुलेंगी। ऐतिहासिक इमारतों के खुलने के साथ कोविड-19 का पालन करना होगा, यानी कि नियमों का पालन करना होगा। बिना मास्क इमारतों में एंट्री नहीं होगी। लखनऊ में भी लोग इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा और भूल भुलैया का फिर से दीदार कर सकेंगे। हुसैनाबाद ट्रस्ट ने अपनी तैयारी अंतिम रूप से कर ली है। अभी इमामबाड़े में प्रवेश से वहां के कर्मचारी मना कर रहे हैं। जब तक लिखित नहीं आता है प्रशासन की तरफ से, तब तक एंट्री नहीं दी जाएगी। सरकार ने आज से सभी ऐतिहासिक इमारतें खोलने के लिए कह दिए हैं। जी आपको बता दें, इस समय हम मौजूद हैं राजधानी लखनऊ के बड़े इमामबाड़े के पास, जिसे भूल भुलैया भी कहा जाता है। हालांकि सरकार की तरफ से आज से आदेश हो गया था कि पुरानी इमारतों को खोल दिया जाएगा। अभी इस समय हम मौजूद हैं भूल भुलैया के पास। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरी तरीके से लोग जो यहाँ के कर्मचारी हैं वो बैठे हुए हैं, और अभी उनसे पूछताछ करने पे ये निकल के आया है कि जिस तरीके से जो इमारतों के अंदर एंट्री होगी वो मास्क के बिना एंट्री नहीं हो सकती, और 100 से ज़्यादा लोग की एंट्री नहीं होगी। हालाँकि अभी अंदर सफाई चल रही है और इन्हें अभी लिखित में नहीं दिया गया, इसलिए गेट पर ताला लगा हुआ है। किसी की एंट्री अंदर जो है वो नहीं हो रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि किस तरीके से जो है एंट्री इनकी कब शुरू होती है और सरकार की तरफ से कब इनको लिखित में मिलता है खोलने के लिए। अभी कोई भी लोगों की एंट्री अंदर नहीं हो रही है, और सफाई जो है वो पूरी तरीके से अंदर चल रही है, सैनिटाइज़र किया जा रहा है, और जो चीज़ें हैं उसको देख के और देख सही साफ़ सुथरा किया जा रहा है। प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी स्मारकों को आज से खोलने के आदेश जारी कर दिए हैं। ताजनगरी आगरा में भी विश्व विख्यात ताजमहल को आज से पर्यटकों के लिए कुछ नियमों के साथ खोल दिया गया है। करीब 2 महीने बाद ताज का दीदार लोगों को अब अनुमति मिल चुकी है। गाइड और दुकानदारों ने भी आज ताज के खुलने पर अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि अब शायद हमारे कारोबार को कुछ बढ़ने की उम्मीद है। उम्मीद है, अभी क्या है कि काफ़ी लंबे समय के बाद ताजमहल खुला है तो लगता है कि चलो अच्छा रिस्पांस मिलेगा, लेकिन अभी इतना टूरिस्ट, अभी इतना पर्यटक नहीं आएगा, क्योंकि अभी कुछ जगह पर तो ये है कि लॉकडाउन अभी चल ही रहा है। एक अपने यूपी में ख़त्म हो गया है, उससे तो नहीं होता है। बाकी जो बाहर का पर्यटक है वो भी कम आ रहा है। आज भी मैं समझता हूँ कि अब खुला है तो थोड़ा सा हम लोगों को हर्ष की लहर है। एक ताजमहल की जो गलियाँ गुलजार हो जाएंगी, जो सन्नाटे पड़े हुए थे काफ़ी लंबे समय से, कुछ था नहीं यहाँ पर। बाकी अच्छा है, अच्छा रिस्पांस मिलना चाहिए। हमें उम्मीद है कि 2 महीने बाद ताजमहल खुला है तो अच्छा रिस्पांस आना चाहिए कुछ हमें। कोरोना काल में 2 महीने के बाद ताजमहल खुला है, इस दिन का हमें बहुत शिद्दत से इंतज़ार था। और अभी मैं यहाँ पर आया हूँ तो देख रहा हूँ कि कुछ टूरिस्ट अभी आने भी शुरू हुए हैं, एंड वी होप फॉर द बेस्ट कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में टूरिस्ट आएँ और सब कुछ नॉर्मल हो, पहले की तरह हमारा टूरिज़्म फिर से ज़िंदा हो जाए। 2 महीने बाद इंतज़ार ख़त्म हो गया है। जी हाँ, आपको बता दूं कि जिस तरह 2 महीने तक ताजमहल को बंद रखा गया था, तो जो कोरोना का काल का जो समय था उसके बाद जब 2 महीने बीत गए हैं, उसके बाद ताजमहल को बंद रखा गया, उसके जिसके बाद में पर्यटकों में काफ़ी आज खुलने के बाद में आज काफ़ी पर्यटकों में काफ़ी खुशी जाहिर हो रही है, खुशी देखी जा रही है। जिस तरह आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जिस तरह टिकट का जो यहाँ कुछ सरकार के द्वारा गाइडलाइंस दी गई हैं, जो टिकट का जो प्रावधान किया गया है, जो टिकट का जो विंडो आप देख रहे हैं, वहाँ टिकट विंडो पर कोई टिकट नहीं दी जा रही है। टिकट का जो प्रावधान रखा गया है उसको ऑनलाइन ही रखा गया है। जिस तरह आप कोरोना को की गाइडलाइन को देखते हुए जो टिकट है वो ऑनलाइन की जाएगी, जिसके बाद में और आप टिकट का जो उसके बाद में यहाँ एक स्कैनर बोर्ड लगाया गया है, यहाँ स्कैन करने के बाद आपको यहाँ ऑनलाइन टिकट बुक की जाएगी। यहाँ ये आप मेरे सामने देख सकते हैं कि किस तरह स्कैन ये बोर्ड लगा दिया गया है। यहाँ आप स्कैन करेंगे, इसके बाद में आपका टिकट बुक किया जाएगा। तो जिस तरह से ताजमहल में आज एंट्री दी गई है, तो यहाँ पर्यटक जो आए हैं खैर इतनी भारी मात्रा में नहीं है, क्योंकि आज ताजमहल खुलने का पहला ही दिन है, तो यहाँ पर्यटकों की जो संख्या है वो काफ़ी कम है। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो भी पर्यटक आए हैं लखनऊ से,
उत्तराखंड से काफ़ी जगह से यहाँ पर्यटक आए हुए हैं, उनमें काफ़ी खुशी देखी जा रही है। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारे द्वारा पर्यटकों से बात की गई तो पर्यटकों ने बताया कि हम काफ़ी लंबे समय से इस इंतज़ार में थे कि कब ताजमहल खुले और हम कब आएँ। तो हमारे यहाँ उत्तराखंड से जो कुछ पर्यटक आए थे उन्होंने बताया भी कि हमारा जो इंतज़ार था आज हमारा इंतज़ार खत्म हो गया है, हम कल ही उत्तराखंड से यहाँ आगरा आ पहुँचे थे, जिसके बाद हमने आज ऑनलाइन टिकट बुक की कर रहे हैं और अब हम ताजमहल देखेंगे। और हमें काफ़ी खुशी है कि हम 2 महीने बाद ताजमहल देखेंगे, क्योंकि जो ताजमहल की जो खूबसूरती है, जबकि वो पहले एक बार और देख चुके हैं, जो ताजमहल की जो खूबसूरती है उसको वो खूबसूरती उन्हें अपनी ओर खींच लाई है। तो कहीं ना कहीं ताजमहल वो अजूबा है हमारे देश का जो पर्यटकों में काफ़ी खुशी जाहिर करता है। और यहाँ दूसरी बात आपको ये भी बताऊं कि यहाँ 650 पर्यटकों को सिर्फ यहाँ प्रवेश दिया जाएगा, जिसमें गार्ड भी उस गिनती उस 650 की गिनती में गार्ड, कैमरामैन और पर्यटक सभी लोग उस गिनती में मौजूद रहेंगे। जब 650 की जो एंट्री ख़त्म हो जाएगी, जब वो लोग ताज का दीदार करके बाहर निकल आएंगे, उसके बाद 650 की एंट्री दूसरे राउंड में दी जाएगी। तो जिस तरह कोरोना प्रोटोकॉल की जो गाइडलाइंस है उसका पूरी तरह पालन किया जा रहा है यहाँ, और 650 की गिनती के हिसाब से ही वहाँ पर्यटकों को और गार्ड और कैमरामैन सभी को मिला करके प्रवेश दिया जा रहा है। और यहाँ जो सैनिटाइज़र है उसकी भी व्यवस्था की गई है, और मास्क है, मास्क के साथ ही पर्यटकों को अंदर एंट्री दी जाएगी। जिसके पास मास्क और सैनिटाइज़र नहीं होगा उसको भी एंट्री नहीं दी जाएगी। तो देखा जा रहा है कि पूरी तरह से ताजमहल में पूरी सुरक्षा कोरोना प्रोटोकॉल की प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए पूरी सुरक्षा के तहत ताजमहल में एंट्री दी जाएगी इसी तरह। और पर्यटकों में भी भारी खुशी है, और आप पर्यटक भी पूरी सुरक्षा और पूरे कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए ताजमहल का दीदार करने आए हैं। आगरा से ममता भारद्वाज, प्राइम टीवी न्यूज़। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। राजनीतिक दल अपना अपना प्लानिंग को मजबूत करने में जुट गए हैं। इस बीच अम्बेडकर नगर में ओम प्रकाश राजभर और पूर्व मंत्री रामअचल राजभर के बीच बंद कमरे में करीब आधे घंटे बातचीत हुई। बता दें कि बसपा से निष्कासित होने के बाद दोनों नेताओं के बीच ये पहली मुलाकात थी। पूर्व मंत्री रामअचल राजभर की महाविद्यालय पर दोनों नेताओं के बीच करीब आधे घंटे बातचीत चली। वहीं मीडिया से बातचीत में ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि बीजेपी ने मेरे सामने घुटने टेक दिए हैं। तो चलिए आपको भी सुनवाते हैं ये बयान। कि हमने एक बनाया है भागीदारी संकल्प मोर्चा, वोट गिनवा दूं, आपने शुरू किया विधानसभा चुनाव। कल तक हमारी गिनती नहीं थी, आज हम लोगों ने गिनती करा दिया। 12-22% वोट 150 सीट पर है राजभर का अकेले, 22% अकेले मुसलमान का वोट है। अगर यूं कह लीजिए कि अति पिछड़ों का वोट 42% है, उसमें राजभर भी है, नाई है, गोंड है, पाल है, प्रजापति है, बिंद है, केवट है, मल्ला है, निषाद है, चौहान है, अर्कबंसी है, बारी है, बंजारा है, बहेलिया है, ये 42% है, और 22% मुसलमान, ये दोनों जोड़ दीजिए तो लगभग 65, 100 में 65 हमारा और 35 में बंटवारा, वो भी हमारा हिस्सा है। हमारे संगमा कम से कम 1000 अहिर हैं, 1000 पंडित हैं, 1000 ठाकुर हैं, कौनों जिला बता दें जौने जिला में न हो। तो इस तरह हम लोग खुद सरकार बनाने की हैसियत में है। अगर पावर नहीं होता तो देश की पार्टी बोलते हैं बीजेपी वाले, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, घुटना टेक दिया है ओम प्रकाश राजभर की छोटी पार्टी। जौनपुर में लोग रेलवे क्रॉसिंग पार करने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। रेलवे क्रॉसिंग की कुछ तस्वीरें भी वायरल हो रही है, जिसमें लोग मालगाड़ी के नीचे से निकल रहे हैं, कई लोग साइकिल लेकर भी मालगाड़ी के नीचे से निकल रहे हैं, कई कोई दोनों डिब्बों के बीच से निकल रहा है। लोगों को इस लापरवाही पर जब गेटमैन से पूछा गया तो गेटमैन ने अपनी सफाई पेश की। गेटमैन की माने तो लोगों को मना किया जाता है, लेकिन लोग झगड़ा करके पर आमादा हो जाते हैं। कानपुर देहात में वैक्सीनेशन अभियान को और ज्यादा बढ़ाया जा रहा है। विधायक प्रतिभा शुक्ला ने शुरू वैक्सीनेशन का प्रचार प्रसार किया। सीडीओ और एसपी ने अभियान को हरी झंडी दिखाई, जिसके तहत लोगों को गांव-गांव जाकर वैक्सीनेशन के लिए जागरूक किया जा रहा है, और गांव वालों से अपील की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीन लगवाएं। विधायक प्रतिभा शुक्ला की माने तो केंद्र की मोदी सरकार, प्रदेश की योगी सरकार जनता को कोरोना महामारी से बचाने की हर संभव कोशिश कर रही है, लेकिन वैक्सीनेशन प्रक्रिया में राजनीति होने के कारण ग्रामीणों में भय की स्थिति पैदा हो गई है, जिसके चलते लोग वैक्सीनेशन अभियान में शामिल होने के लिए बच रहे हैं।
इसका उद्देश्य ये है कि हमारे गांव विधानसभा में कोई भी व्यक्ति कोरोना से ना मरे। जब हम लोगों ने सारे लोगों को देखा मरते हुए, ऑक्सीजन की कमी देखी, तो ये एक भाव मन में आया कि हम लोगों को भी कुछ करना चाहिए। सरकार तो सबके लिए कर ही रही, ऑक्सीजन की कमी थी और कहीं ना कहीं हर दिक्कतें थी, और जब गांव में कोरोना आया तो एक विचार मन में ये आया कि क्यों ना हम लोग एक इंसानियत का रिश्ता, मानवता का रिश्ता लेकर अपनी विधानसभा में अपने लोगों के साथ भाईचारा स्थापित करते। उनकी मदद में हम लोगों ने दवाएं भी दी और हम लोग अभी इस समय प्रेरणा भी देने की काम कर रहे हैं। आज हम लोग जो है कोरोना वैक्सीन के प्रचार प्रसार के लिए गांव-गांव जा रहे हैं, और जितनी हमारे साथ गाड़ियां हैं इन सबको गांव बांट दिए गए हैं। यहां से हम लोग एक साथ निकलेंगे और एक एक गाड़ी 15-15 गांव कवर करेगी, और इसके बाद गांव-गांव में हम लोगों ने पर्चे छपवाए हैं जिसमें हम लोगों ने पूरी तरीके से लोगों की भ्रांतियाँ दूर करने का प्रयास किया है और लोगों को बताने का प्रयास किया है कि कोरोना का अगर कोई एकमात्र इलाज है तो वैक्सीन है। लोगों ने इस तरीके से गांव के लोगों को भ्रमित कर दिया है कि पता नहीं कैसी कैसी वो बातें करते हैं। वो सारी बातें हम इस पर आपके चैनल पर नहीं करना चाहते, लेकिन निगेटिव जो चीज़ें होती हैं, नकारात्मक चीज़ें आदमी जल्दी ग्रहण करता है, उसको फिर से पॉजिटिव लाने के लिए। जौनपुर में 8 साल की मासूम बच्ची का शव बरामद हुआ। शव को देखने के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना के आधार पर पुलिस ने फौरन कार्रवाई शुरू करने के लिए घटनास्थल पर पहुंच गए। घटनास्थल की घेराबंदी करते हुए पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि शव को जांच के लिए भेज दिया गया और उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए और देखते रहिए प्राइम टीवी।